लगता है दूध वाला आ गया। चौधरी साहब, दूध तो एक नंबर है ना। जी जी, आपको पता तो है हम बेईमानी नहीं करते, हमारी ओरिजिनल भैंस का दूध है। सात किलो दूध होगा, इंशाल्लाह हफ्ते बाद हिसाब करेंगे। नहर वाले पानी से दूध गाढ़ा बहुत होता है और किसी को पता भी नहीं लगता। तीन किलो दूध दो। ठीक है, हफ्ते बाद हिसाब करेंगे। भाई एक कप दूध पत्ती बना दो, जरा अच्छी सी हो। आप टेंशन न लें, मैं हक हलाल की खाता हूँ, एक कतरा पानी का नहीं मिलाऊंगा, आपके सामने खालिस दूध डालूंगा। ये किस तरह की चाय? पहले चाय तो पियो, फिर कहना किस तरह की चाय आए। दूध पत्ती बनाइए तुम्हारे लिए। आठ सौ बन गए तुम्हारी चाय का, अब जमे भी करा दो, रोज पी के चले जाते हो। हफ्ते बाद हिसाब करेंगे। कुछ दिनों के बाद अब बनाऊंगा मैं अपनी गाय और भैंसों का फार्म और पूरे शहर को दूध सप्लाई करूंगा। हिसाब बाद में करेंगे, मेरा दूध निकालने गाय का। ये क्या हो गया? लंबी वैरस से मेरी गाय मर गई। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत बर्बाद हो गया, आज सारा पानी इधर निकल गया। ओह नो! बचाओ। एक दिन के बाद या अल्लाह, इस याद से मैं लोगों को नहर वाला पानी दूध में मिक्स करके पिलाता था। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मैं तेरा बहुत गुनहगार बंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। मेरा हाथ। माशाल्लाह क्या कारोबार है, 1000 के दूध से 15000 रुपए दिहाड़ी बनती है, मैं लाखों पति बन जाऊंगा बहुत जल्द। क्या हमारे इलाके में सैलाब आ गया, हमारा घर भी डूब गया। या अल्लाह माफ कर दे, मेरे लालच ने मुझे डबो दिया। या अल्लाह ये क्या हो गया मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे।